गुड आफ्टरनून किडोस गुड आफ्टरनून क्या हाल चाल है आज अलग टाइम पे मैम आ गई हैं येस yes, बच्चो बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग टुडे एंड इसलिए आज मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी लेके चैप्टर ख़त्म करा देते हैं सो so दैट मैं भी आराम से uh, जितने दिन के लिए जा रही हूँ आराम से रहूँगी कि हाँ मैंने चैप्टर ख़त्म करा दिया एंड देन उसके बाद वी विल स्टार्ट विद न्यू जोश अगेन फिर से बढ़िया तरीके से हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बच्चो एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल Start with new Josh again, फिर से बढ़िया ओहो मुझे मेरी आवाज भी सुन गई ओके चलो ठीक है मतलब सब परफेक्ट है दिख भी रही हूँ सुन भी रही हूँ ओके जी यस गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बच्चा लोग गुड आफ्टरनून यस तो आज हम लोग बच्चों ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं सिर्फ दो टॉपिक रह गए थे इसमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड योर बायो पायरेसी बायो पेटेंट ठीक है चोरी चकारी जो लोग करते हैं और उसको कैसे बचाया जाए चोरी चकारी से वो टॉपिक रह गया था और आज हम वो एक ख़त्म कर देंगे राइट ठीक है सो डिफरेंट टाइम इसलिए बच्चों आज क्योंकि मुझे आज ट्रैवल करना है आई हैव टू कैच अ फ्लाइट एंड देन एंड आई मेक श्योर कि जितने दिन के लिए मैं जा रही हूँ मैंने कल रात को बहुत देर तक बैठ के परसों भी बहुत आ, तीन तीन बजे तक बैठ के तुम्हारे लिए कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं जिससे जितने मुझसे हो पाए बच्चों उतने वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करे हैं ताकि आ, ये जो बीच में दिन रहेंगे ना उसमें आपका ऐसा ना रहे कि खाली जा रहा है कुछ यू हैव टू बी यू योर लर्निंग विल नॉट बी स्टॉप ठीक है लर्निंग नहीं रुकेगी यस yes, बच्चो है ना ओके 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 चलिए जी शुरू करें हां जी <coughs> तो बच्चों अनसेट में जिसने अभी तक एनरोल नहीं करा है प्लीज फटाफट से एनरोल करा लीजिए क्योंकि ये आठ को आपका होने वाला है पंद्रह को होने वाला है आई थिंक लास्ट डेट इज सिक्स सिक्स इज द लास्ट डेट जब आप रजिस्टर कर सकते हैं तो प्लीज फटाफट से करा लीजिए कोड लगा लेना बच्चा लो गार्गी एंड आपको टेन ऑफ मिलेगा क्योंकि आपको रजिस्टर करने के लिए यू विल नीड टू रजिस्टर uh, रजिस्टर uh, करने के लिए आपको नाइन्टी नाइन रुपीज लगेंगे एंड देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं हर बार तुम्हें बोलती हूँ कि सबसे जरूरी है कि मेरे को मेरा परफॉर्मेंस मेरा प्रेपरेशन का लेवल पता चलना चाहिए वो कैसे पता चलेगा या जब तक हम कंपीट नहीं करेंगे जब तक हम किसी के साथ uh, कुछ टेस्ट वेस्ट दे नहीं देखेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है वो भी एक बहुत बढ़िया बहुत चीज है वो तो ठीक है आपको बच्चों यूरो स्पेस सेंटर में जाने का मौका मिलेगा वो भी दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट थिंग एंड आपको स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में मिल जाएगा एक्सेस लेकिन सबसे जरूरी है कि मुझे पता चल जाएगा मेरा परफॉर्मेंस किस लेवल पर चल रहा है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग येस ओके चलो शुरू करें तो बच्चों आज हम खत्म करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बायो पायरेसी एंड बायो पेटेंट ये सब खत्म हो जाएगा मतलब आज ये चैप्टर ही उड़ जाएगा अपना जो बच्चा मेरे सेशन में पहली बार आया बच्चों आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह आई हैव अ पीएचडी इन माइकोलॉजी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पीएचडी करा है तीन नए फंगस डिस्कवर करे हैं रिसर्च पेपर लिखे हैं आप मुझे गूगल करोगे ना डॉक्टर गार्गी सिंह फंगाई यू विल गेट ऑल माय रिसर्च पेपर एंड एवरीथिंग आई आई बीन टीचिंग फॉर द लास्ट सेवन इयर्स सात साल से मैं पढ़ा रही हूँ नीट कैटेगरी में बहुत सारे टॉप रैंकर्स मैंने प्रोड्यूस करे और बच्चों अब अब ये कि पिछली इस बार जो रिजल्ट आया था अन का हम सब का धमाकेदार था इस बार ये कि अब उससे भी ज्यादा डबल ट्रिपल बच्चे का सिलेक्शन यहां से होना चाहिए तो इसीलिए थोड़े और यू uh, नो you know, थोड़ा और मेहनत करेंगे थोड़ा और जोश के साथ पढ़ेंगे और तुम भी पढ़ोगे ठीक है सिर्फ मेरे पढ़ाने से तो कुछ नहीं होगा तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा तुम्हें भी मोटिवेटेड रहना पड़ेगा तुम्हें भी रोज आना पड़ेगा जब भी मैं क्लास लेने आऊंगी सो इन दिस सेशंस बच्चों वी आर डूइंग एनसीईआरटी का कवरेज करते हैं हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाते हैं Uh, मेरे टेलीग्राम पे विच इज़ डॉक्टर गार्गी सिंह वहाँ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और मेरा पेन फॉर सम रीजन इज नॉट वर्किंग लेट मी रिकनेक्टेड ये कभी कभी ना इसका अपना ना अपना ही मूड हो जाता है और ये बातें मानने से मना कर देता है ओके okay? चलिए जी शुरुआत करते हैं हम अपने ट्रांसजेनिक्स की लेट मी चेक ठीक चल रहा है या नहीं स्लो तो नहीं चल रहा है अरे यार नहीं तो फिर मुझे दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा हम्म भाई टाइम चेंज करा तो तुम आना ही बंद हो गए हाँ अभी शुरू ही अभी शुरू ही है <laughs> ओके चलो अभी शुरू है क्लास तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स अरे ये प्रॉब्लम करेगा ये प्रॉब्लम करेगा बच्चों Hmm. ये चल रहा है स्लो स्लो देखते हैं अगर नहीं ठीक हुआ तो मैं फिर से मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम को तो ये ठीक होगा बट लेट्स सी क्या होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं भाई जो भगवान ने बना के नहीं भेजे तुमने उनके जीन्स के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करी है तुमने कुछ ट्वीकिंग करी है तुमने कुछ चेंजेस करे हैं तुमने कुछ नई चीज डाल दी उनके जीन्स में उनका डीएनए अब नया बन गया दैट इज वाई देर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स जिसके पास किसी और किसी और एनिमल का डीएनए पहुंच गया किसी और ऑर्गेनिज्म का डीएनए पहुंच चुका है जिसके पास तो उसको हम बोलेंगे क्या ट्रांसजेनिक एनिमल्स बट मैम हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाए ठीक है मैंने हमने ट्रांसजेनिक आज चैप्टर खत्म हो जाएगा बिल्कुल ठीक है चलो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाए बच्चों हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स इसलिए बनाए क्योंकि अगर मुझे किसी भी चीज़ को स्टडी करना है मान लो मुझे फिजियोलॉजी जनरल फिजियोलॉजी को स्टडी करना है मुझे देखना है कि इंसुलिन का क्या असर होता है ठीक है इंसुलिन का क्या काम है या फिर ग्रोथ फैक्टर्स का क्या काम है इन द बॉडी अब मैं उसके लिए एक ऑब्वियसली आई कैन नॉट यूज़ ह्यूमन बींग्स फॉर एक्सपेरिमेंट पहली चीज़ वो तो हम बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते दूसरी चीज़ बच्चों मैं क्या करूंगी कि मैं मेरे एनिमल को थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव बना दूंगी उसके लिए मुझे उसके अंदर थोड़ा कुछ और जीन भी डालने पड़ेंगे ताकि मुझे जल्दी रिजल्ट पता चले ठीक है जितना ज्यादा सेंसिटिव तुम बनाओगे एनिमल को उतने जल्दी तुम्हें रिजल्ट पता चलेंगे दैट इज वाई वी आर क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इसलिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं राइट ठीक है तो पहली चीज ट्रांसजेनिक एलिमेंट में तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक हमने कौन से बनाए हैं सबसे ज्यादा हमने बनाए हैं माइस 95 परसेंट जो है वो कौन है माइस है ओके okay? चलो 95 परसेंट इज माइस बड़ा स्लो स्लो चल रहा है मेरा पेन आज ना देखना पड़ेगा इसका कुछ यस नाइनटी फाइव परसेंट माइस है बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है जा सकता है बिल्कुल जा सकता है? आपने रैबिट्स भी बनाए आपने रैट्स भी बनाए आपने शीप काउस फिश एवरीथिंग यू हैव ट्राइड एवरी थिंग यू हैव ट्राइड इन केस ऑफ ट्रांसजेडिक एनिमल ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम किस लिए बना रहे हैं एक तो मैंने तुम्हें बताया फिजियोलॉजिकल अगर मुझे स्टडी करनी है चलो पहली चीज लिखते हैं लेट्स राइट फर्स्ट थिंग कि मैंने क्यों बनाया क्यों बना रहे हैं हम वाई आर वी वट आर द यूजेज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल यूजेस यूजेस क्या है यूज बच्चों एक है कि मुझे अगर स्टडी करनी है मुझे फिजियोलॉजी स्टडी करनी है मुझे देखना है कि किस चीज का uh, क्या इफेक्ट होता है लेट अस राइट फर्स्ट नॉर्मल बॉडी एक सेकेंड मेरे को ना इसको रीस्टार्ट करने दो बच्चो ये ना बहुत स्लो चल रहा है रिस्टार्ट करने दीजिए मुझे जस्ट आई बी गॉन ओनली फॉर वन मिनट बैक क्या मैं वापस आई हूं यहां पर ए माई बैग एम आई बैग बैक 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 यस ओके एम आई बैक बच्चों Hmm. बताओ 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 वापस आई हूँ मैं तुम्हारा प्रॉब्लम तो फिक्स करने का कोशिश करा है आई थिंक हो गया होगा यस मैम यस मैम ओके ग्रेट ग्रेट सो आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं आएगा अब इट विल वर्क फाइन ओके तो हम बात कर रहे थे ट्रांसजेनिक एनिमल्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होंगे ट्रांसजेनिक मतलब किसी और का जीन है उसके पास वो एनिमल जिसके पास किसी और एनिमल का जीन है लगता है अभी भी ये अभी भी ये नहीं चल पा रहा है ओके um, okay. भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है यस yes, चलो मैं इतने तो मैं ऐसे ही बताती हूँ ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है बच्चों जिसके पास किसी और का जीन है ठीक है जिस एनिमल के पास किसी और का जीन है वो हो गया ट्रांसजेनिक एनिमल हमने क्यों बनाए क्योंकि हम पढ़ना चाहते थे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को हम देखना चाहते थे कि इंसुलिन का क्या इफेक्ट होता है हम देखना चाहते थे कि ग्रोथ फैक्टर्स का क्या इफेक्ट है हम बनाना चाहते थे डिजीज के लिए मॉडल्स डिजीज के लिए मॉडल्स क्यों बना रही हूँ मैं ताकि मैं उन डिजीज को क्योर करने के लिए देख सकूं कि क्या ये चीज काम कर रही है या नहीं कर रही है क्या वो चीज काम कर रही है या नहीं कर रही है बच्चों वो सब हम नॉर्मल एनिमल के ऊपर नहीं कर सकते ठीक है हमें क्योंकि एनिमल को थोड़ा सा सेंसिटिव बनाना पड़ेगा मैं जो भी चीज़ उसको दे रही हूँ ताकि मुझे जल्दी रिजल्ट मिले अगर मैं ट्रांसजेनिक एनिमल नहीं यूज़ करती नॉर्मल एनिमल यूज़ करती हूँ जिसके जीन्स मैंने नहीं चेंज करे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा मतलब फिर तो अगर किसी स्टडी को पाँच साल लग रहे हैं तो उसको दस बारह बीस साल भी लग सकते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है यू नो दैट ठीक है लोग कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों में है उनको कितनी बीमारियाँ हो रही हैं तो वी वॉन्ट द क्योर जल्दी से हमें जल्दी से बच्चों क्योर चाहिए इस चीज़ का दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस ओके बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम okay, okay. आज ना आज ना ये परेशान कर रहा है आज मेरा सिस्टम में कुछ दिक्कत है भाई ओके okay, फिर से ट्राई करती हूँ चलो देखते हैं अब चलता है नहीं चलता है क्या होता है क्या नहीं होता है यस yes, चलो चला तो है देखते हैं स्लो चलेगा या नहीं चलेगा क्या चलेगा बट हम लोग चलते रहेंगे ठीक है हम लोग नहीं हुआ तो बच्चों मेरे पास एनसीईआरटी है तो डोंट वरी आज हम ये चैप्टर खत्म करेंगे अगर नहीं हुआ तो एनसीईआरटी से पढ़ा दूंगी बट चैप्टर आज खत्म करेंगे ओके okay. क्यों पढ़ना था मुझे क्यों मुझे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी नॉर्मल बॉडी फंक्शंस तो पहला आप लिखेंगे यूज नॉर्मल बॉडी नॉर्मल बॉडी फंक्शंस ओके ठीक है आज तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा है मैं स्क्रीन पे भी कुछ प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही हूं फोर्स क्विट करके देखते हैं लेट्स सी। ओके आई एम वेरी वेरी सॉरी देर आर थिंग्स बच्चों जो मेरे हाथ में भी नहीं है ठीक है टेक्नोलॉजी कब क्या कर दे हमें नहीं पता चलता तो नॉर्मल बॉडी फंक्शन अगर मुझे पढ़ने हैं नॉर्मल बॉडी फंक्शन अगर मुझे पढ़ने हैं मुझे ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जरूरत पड़ेगी जैसे कि अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ कि इंसुलिन फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन के बारे में पढ़ना चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में पढ़ना चाहती हूँ ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में पढ़ना चाहती हूँ तो मुझे ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करने पड़ेंगे दूसरों बच्चों हमने ये ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं नेक्स्ट लिखवाने वाली हूँ ना तुम्हें कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है ना वो हमने एक इसलिए भी रखे हैं ताकि मैं डिजीज जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज है बच्चों जैसे कि आपकी डिजीज लाइक कैंसर ठीक है लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसके हमने मॉडल्स बना लिए हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के हमने मॉडल बना लिए क्यों ताकि मैं उनको अच्छे से पढ़ पाऊँ भाई नॉर्मल एनिमल के साथ मेरे को उस, उस तरह से रिजल्ट नहीं मिलेंगे बहुत टाइम लगेगा इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम तो मुझे ट्रांसजेनिक एनिमल बना के मॉडल बना के रखना इज अ बेटर ऑप्शन ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस डिजीज का क्योर निकाल सकूं तो हम लिखेंगे यहां पर <coughs> ट्रांसजेनिक एनिमल्स बच्चों हमने और किस लिए बनाए ट्रांसजेनिक एनिमल के मॉडल्स भी हमने बना लिए क्वेश्चन आया हुआ है और फिर से आ सकता है ट्रांसजेनिक मॉडल्स किस के लिए हमने बना लिया है कैंसर के लिए बना लिए बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए बना लिए फाइब्रोसिस के लिए बना लिए एंड रूमेटाइड रूमेटाइड uh, आर्थराइटिस के लिए बना लिया एंड ऑल्सो फॉर एल्ज़ाइमस वेरी इंपॉर्टेंट ये जो बीमारी है ना तुम्हें तो पता है कैंसर कितना डेंजरस है रोमेटाइड आर्थराइटिस ठीक है यहाँ पे इन्फ्लमेशन हो जाता है जॉइंट्स में वेरी वेरी पेन पेनफुल आप ना पेन भी नहीं उठा सकते हो इतना पेनफुल होता है रोमेटाइड आर्थराइटिस एंड ऑल्सो एल्जाइमस बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है बच्चों एल्जाइमस के ऊपर ब्रेन डैमेज हो जाता है आपका यू डोंट इवन रिमेंबर कि भी खाना खाया या नहीं खाया उन उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी फैमिली में लोगों को एल्ज़ाइम्स हो जाता है जो थोड़े से ऑब्वियसली एज रिलेटेड है लेकिन बड़ी प्रॉब्लम आती है इससे ठीक है खाना खाया नहीं खाया भूल जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब इस टाइम पे बड़ी ज़रूरत है इस इन सब चीज़ों पे रिसर्च करने की तो बहुत सारा रिसर्च चल रहा है कैंसर पे सिस्टिक फाइब्रोसिस पे एंड येस आई वॉज ऑल्सो गोइंग टू राइट रोमेटाइड एथराइटिस थइड अथर ठीक है ओके एंड वन मोर इज एल एल एलजाइमस डिजीज बच्चों ठीक है तो इसके लिए हमने बना लिया ट्रांसजेनिक मॉडल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछ सकते हैं आपको डायरेक्टली पूछने की बताओ किस किस के मॉडल्स तुमने बना लिए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ एक तो ये हो गया फिजियोलॉजी पढ़नी है या फिर मुझे डिजीज के मॉडल्स बनाने हैं दूसरा क्या होगा मैं कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ जैसे कि हमने इंसुलिन बनाया था दूसरा क्या है बच्चों मैं कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ लेकिन हमें प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स uh, याद रखने हैं यहाँ पे सो विल राइट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ठीक है दूसरा यूज क्या है कि मैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाना चाहती हूँ जैसे कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एल्फा वन एंटी ट्रिप्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल बच्चों एल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन ओके अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन आपका पता है आपको ये कहां बनता है ये वाला प्रोटीन कहां बनता है दिस प्रोटीन इज इन योर लिवर आपके लिवर में ये प्रोटीन बना जरा एक बार समझ लो कि ये बीमारी कैसे कॉज हो कर, कर, करता है अगर तुम्हारी बॉडी में ये नहीं बना या डिफेक्टेड बना लिवर में बना ओके okay? फिर लिवर से ये कहां जाएगा लंग्स में जाएगा क्योंकि लंग्स को प्रोटेक्ट करता है तो अगर ये नहीं बना या फिर ये गड़बड़ तरह का बना तुम्हारा जो जीन है डिफेक्टेड है तो बच्चों इसकी शेप गड़बड़ बनेगी तो ये शेप गड़बड़ बनी तो लिवर में ही रह जाएगा लंग के पास पहुंचेगा नहीं अगर आपके पास ये जीन ही नहीं है तो ये बनेगा ही नहीं तो मतलब तुम्हारे लंग को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है अगर तुम्हारे लंग्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ हो जाएगा सो दिस इज गोइंग टू गोइंग टू अफेक्ट योर लंग्स वाई ये आपका प्रोटीन उसको प्रोटेक्ट करता है ठीक है ये प्रोटीन बच्चों किसको प्रोटेक्ट करता है लंग्स को लेकिन लंग्स तक तो पहुंचा ही नहीं अब दिक्कत शॉर्टिंग ऑफ ब्रेथ हो जाएगी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी जिससे क्या हो जाता है हो जाता है सो प्लीज रिमेंबर स्मोकिंग से भी भी होता है भी है है जेनेटिक डिजीज ठीक स्मोकिंग से तो होता ही होता है इन्फ्लॉमेशन वगैरह हो जाता है लेकिन जेनेटिक डिजीज भी है राइट right? किस लिए जेनेटिक मैंने क्यों बोला अगर आपके पास एल्फा एंटीट्रिप्सिन का जीन नहीं है एम्फिसमा तब भी आपको हो जाएगा प्लीज रिमेंबर दिस ओके सो दिस इज गोइंग टू लीड टू ट्रीट टू ट्रीट एम्फिसमा ऑल राइट ठीक है एम्फिस्मा को ट्रीट करने के लिए ये आप यूज कर सकते हैं यूज क्या कर सकते हैं हम कर रहे हैं ठीक है हम बना रहे हैं बच्चों हम बना रहे हैं और जिनके पास ये प्रोटीन नहीं बनता उनको दे रहे हैं ठीक है इनको बना के हम जिसके पास नहीं बनता उसको ये प्रोटीन दे रहे हैं नंबर वन सेकेंड इज बच्चों कि आपके सिमिलर अटेम्प्ट हम ट्राई कर रहे हैं ठीक है ट्राई कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन यूरिया सिमिलर अटेम्प्ट ठीक है आर बीन मेड आर बींग मेड फॉर फिनाइल कीटोन यूरिया ठीक है जो हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था एक्यूमलेशन हो जाता है फिलइल एलान का और फिर ब्रेन डैमेज हो जाता है इससे दे एंड बच्चों सिस्टिक फाइब्रोसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है ये आपका जो डिजीज है ना ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ठीक है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पर म्यूकस सिक्रीट होता रहता है होता रहता है तो जब आपको दिक्कत हो जाती है सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है वो जो म्यूकस है ना इट बिकम्स थिक एंड स्टिकी अगर आपका म्यूकस थिक हो गया स्टिकी हो गया तो उसका जो पर्पज था ल्यूब्रिकेशन करने का वो तो नहीं रहा है ना वो तो नहीं रहा बच्चों और जो एंड एंड जब वो इतना थिक हो जाएगा ना तो वो रुकावट करने लग जाता है जब वो इतना थिक हो जाएगा तो वो रुकावट करने लग जाता है अब उससे दिक्कत आ जाती है इवन डेथ भी हो सकती है इट कैन ऑल लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कि हम किसके लिए और अटेम्प्ट कर रहे हैं फिनाइल कीटोन यूरिया को भी ट्रीट करने का ट्राई कर रहे हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस को भी ट्रीट करने का ट्राई कर रहे हैं बच्चों फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या हुआ था जेनेटिक्स में पढ़ा था फिनाइल कीटोन यूरिया में आपके पास एंजाइम नहीं होता जो फिनाइल कीटोन यूरिया को तोड़ के मेटाबॉलिज्म कर सके तो इसलिए फिनाइल एलानिन आपके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है ठीक है आपके अंदर फिनाइल एलानिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है एंड देन इट स्टार्ट डैमेजिंग योर ब्रेन क्या होता है मैं लिख देती हूं यहां पर फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट्स ओके एंड इससे क्या होगा बच्चों ब्रेन को ये डैमेज कर सकता है ठीक है ब्रेन को डैमेज कर सकता है यस सिस्टिक फाइब्रोसिस भी मैं लिख लिख देती इसमें क्या होगा uh, जो आपका म्यूकस है ना म्यूकस इट बिकम्स थिक एंड स्टिकी ठीक है जो चीज जिसका काम था कि ल्युब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा या फिर पैथोजन को ट्रैप कर सकता है अब अगर वो बहुत ही थिक हो गई उसका काम तो वो नहीं एक तो वो काम जो था वो भी नहीं कर रहा दूसरा इतना थिक हो गया तो मेरे जो पैसेज थे मेरे जो पैसेज वे थे वो ब्लॉक हो जाएंगे ठीक है रेस्पिरेटरी जो आपका ट्रैक था या डाइजेस्टिव ट्रैक था वो ब्लॉक हो जाएंगे और ब्लॉक हो गए तो तुम्हें पता है दिक्कत होगी सांस लेने में दिक्कत होगी डाइजेशन uh, में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक ब्लॉक हो गए तो यस बच्चो एम आई मेकिंग टू यू ठीक है यस ओके डन 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 फटाफट से बताओ फटाफट से बताओ बच्चो लेट मी नो मी नो अनुराग यश दिव्या ओके प्रिया चलो ठीक है डन आगे बढ़े आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए तो ये सारी बीमारियां ना काफी मुश्किल क्रिएट करती हैं इंसान की लाइफ में बहुत डिफिकल्टी बहुत डिफिकल्टी होती है सो दैट इज वाई वी आर ट्राइंग साइंटिस्ट दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ क्योर फॉर ऑल ऑफ दीज बीमारी नाउ नेक्स्ट चीज मैं क्यू यूज करूंगी ट्रांसजेनिक एनिमल्स को मैं यूज करूंगी

रोजी रोजी ठीक है द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वॉज रोजी वेरी गुड वेरी गुड ठीक है तो लिखे जरा फर्स्ट ट्रांसनिक का कौन सी थी रोजी थी ठीक है कौन सी थी रोजी थी किस साल में बनाई थी तुमने किस साल में बनाई थी तुमने 1997 अब इसमें पता है क्वेश्चन क्या बनता है और बच्चे कहाँ पे घूम जाते हैं हमने क्या करा बच्चों इसको ट्रांसजेनिक बना दिया हमने सोचा कि हम क्या करेंगे इसके अंदर ह्यूमन मिल्क में जो प्रोटीन होता है ना वो वाला जीन डाल देते हैं इसमें हमने क्या करा ह्यूमन मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसका जीन डाल देते हैं उसका जीन डाल देंगे तो इसका मिल्क और भी ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा विच वॉज अ वेरी गुड आइडिया विच वॉज अ वेरी गुड आइडिया ठीक है सो दिस रोज ई ड्यूस्ड ह्यूमन ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क ओके तो हमें तो पूरा एकदम बैलेंस डाइट मिल गया जो बच्चे हैं उनको तो पूरा बैलेंस डाइट मिल गया है ना जी ओके जी यस yes. तो हम इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि भाई कितना कितना तुम लिखोगे टू पॉइंट फोर ग्राम्स पर लीटर ठीक है 2.4 ग्राम्स पर लीटर ये हो गया इतना तुम्हें प्रोटीन मिल रहा है वेरी गुड मतलब कितना ये 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 जो अमाउंट है बहुत अच्छा अमाउंट है बहुत ही हेल्दी अमाउंट है ये तुम्हारे लिए तो ये हो गया अब दूसरी चीज़ दूसरी चीज, चीज जिसमें तुम गड़बड़ करते हो ठीक है मैं बताने वाली हूँ ये हो गया दूसरी चीज़ क्या थी बच्चों इस मिल्क में क्या होगा एल्फाइलेक्टाभ्यूमिन होगा जिस प्रोटीन की मैं बात कर रही थी ठीक है इस मिल्क में क्या होगा मिल्क कंटेन्स मिल्क contain contain alpha lacto ब्यूमिन अब तुम पता है गड़बड़ कहां करते हो तुम गड़बड़ करते हो कि यहां पे ना कभी कभी बीटा लिखा होता है तुम वो पढ़ते नहीं हो तुम बस सोचते हो अच्छा मिल्क में अल्फा लेक्ट ब्यूमिन चलो ये सही है ठीक है ये बिल्कुल ये बिल्कुल सही आंसर है तो देखना बच्चों अल्फा लिखा है या बीटा लिखा है प्लीज लुक आउट फॉर दैट ऑप्शन स्टेटमेंट वाला ये क्वेश्चन आ चुका है दिस इज योर पी वाई क्यू दिस इज योर पी वाई क्यू ये क्वेश्चन आ चुका है तो थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई अल्फा लिखा है या फिर बीटा लिखा है और दूसरी चीज एक और बात बताती हूँ एक और क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर कि यहाँ पे मैंने लिखा ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड है ठीक है कहीं एक बार क्वेश्चन आया था कि लिख दिया था कि भाई उसमें घी बहुत ज्यादा बनता है बहुत घी देती है ये नहीं नो no, हम फैट्स की बात नहीं कर रहे दिस इज नॉट एनरिच्ड इन फैट्स दिस इज एनरिच्ड इन प्रोटीन्स तो याद रखना है ये सब चीजें बहुत जरूरी बातें तो तुम्हें से घुमा देता है ठीक है से घुमा देता है बच्चों तो अगर तुम्हारे पास ये प्रोटीन आ गया दिस विल बी अ मोर बैलेंस डाइट फॉर ह्यूमन बेबीज मोर बैलेंस्ड डाइट फॉर बेबी है ना क्योंकि इसमें प्रोटीन तो हमारा ही है क्योंकि इसमें प्रोटीन तो हमारा ही है इसलिए ठीक है जी yes. okay जी चलिए जी आगे चले हां जी दिस अबाउट द रोजी काउ तो याद रखना कि यहाँ पे अल्फा है और प्रोटीन की हम बात करें बच्चों हम घी की बात नहीं करें हम फैट्स की बात नहीं कर रहे हैं ऑल राइट चलिए जी अब नेक्स्ट करेंगे वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इन ट्रांसजेनिक्स को ऑब्वियसली यार मैं मैं इंसानों के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती जब हम वैक्सीन का सेफ्टी दिस इज द थर्ड पॉइंट ना जब हम वैक्सीन का सेफ्टी चेक करते हैं ना तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर चेक करते हैं अब क्यों वही लॉजिक है मैं उनको ज्यादा सेंसिटिव बना दूंगी मैं उनके अंदर इस तरह के जीन डालूंगी बच्चों की वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे ज्यादा सेंसिटिव होंगे तो मुझे जो रिजल्ट मिलेंगे वो जल्दी मिलेंगे और मैं यही चाहती हूँ मैं अभी जो वैक्सीनेशन हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ था पिछले साल अगर हम उसके उ, उ, उस टाइम पे मतलब ये सोचते कि चलो भाई हम ऐसा करते हैं कि नॉर्मल एनिमल्स को लेके ना चेक करते हैं तो बच्चों उसमें बहुत टाइम लग जाता इट वुड हैव टेकन थ्री फोर फाइव इयर्स पता नहीं कितने साल लग जाते लेकिन ये जल्दी करने के लिए हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स को ही यूज करना पड़ता है वी मेक दम मोर सेंसिटिव तो वी विल राइट वैक्सीन सेफ्टी वैक्सीन सेफ्टी के लिए बच्चों हम यूज कर सकते हैं इसको ठीक है इसके इसको टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं टेस्ट द वैक्सीन सेफ्टी ओके चलो जैसे कि ट्रांसजेनिक माइस को हमने यूज करा था पोलियो uh, वैक्सीन के लिए टेस्ट करने के लिए पहले हम मंकीज को यूज रहे थे फिर हमने ट्रांसजेनिक माइस को यूज करा था बच्चों डू यू नो दैट ये कितने बच्चों को पता है ये कितने बच्चों को पता है पता है आपको डू यू नो दैट कि हमने रिप्लेस करा मंकीज को विद ट्रांसजेनिक माइस टू चेक द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन राइट चलो लिखो ये लिखो अगर मुझे लग रहा है तुम्हें तो पता नहीं है लिखे चले जी मंखीज हैव बीन रीप्लेस्ड विद ट्रांसजेनिक माइस फॉर टू चेक टू चेक

टेस्टिंग भी आप इससे कर सकते हैं वही है कि आप उसको एनिमल सेंसिटिव बचो किसी भी चीज को अगर तुम सेंसिटिव बनाना चाहते हो तो उसमें तुम इस तरह के जीन्स डाल दो जो ज्यादा ज्यादा यू नो सेंसिटिव होगा कोई भी चीज तुम छोटा इतना मतलब बहुत कम अमाउंट भी दोगे ड्रग का तो भी वो रिजल्ट देगा आपको तो भी वो आपको बताएगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है नहीं तो और जल्दी बताएगा जल्दी जो चीज़ सेंसिटिव होती है वो जल्दी रिएक्ट करती है ना जल्दी बताती है और थोड़ा सा भी कुछ बोल दो किसी को वो जल्दी यू नो रिएक्ट कर जाता है जैसे आ, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं उनको ना ज़रा सी बात बोल दो दो मिनट में रोना चालू तुम्हें रिजल्ट मिल गया ना जल्दी से जल्दी से रिजल्ट मिल गया ना तुम्हें तो इसलिए हम बनाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स इसलिए बनाते हैं बच्चों ट्रांसजेनिक एनिमल्स ठीक है जी चलो ठीक है जी यस ओके स्पेशल क्लास बच्चों स्पेशल क्लास अभी कुछ दिन के लिए नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं आई एम ऑन अ लीव मैं थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए लीव पे हूँ इसलिए मैं स्पेशल क्लास नहीं ले पाऊंगी बट जैसे आऊँगी तुम्हें पता है लगातार कंटिन्यूसली विल डू यू नो विल हैव आर स्पेशल क्लासेस विल हैव आर प्रैक्टिस सेशन सब कुछ होगा बिल्कुल डरने की बात ही नहीं है काहे डर रहे हो ये रे आ जाओ अब हम जरा पढ़ लें एनसीईआरटी से ट्रांसजेनिक एनिमल्स को ये मैंने हा चलो ट्रांसजेनिक एनिमल्स एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू प्रोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्सट्रा फॉरन डी दे आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स उसको तुम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो दैट इज ऑल्सो ट्रू वो भी सही है ठीक है दीज आर दीज कैन ऑल्सो भी नोन एज बच्चो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म चलो जैसे कि हमने ट्रांसजेनिक रैक्स बना लिए पिग्स बना लिए शीप बना लिए सब कुछ बना दिया तुमने फिश भी बना लिया है ओके okay, फिश क्यों बनाया था हमने ताकि ज्यादा न्यूट्रिशन वाला हो काउस क्यों बनाए ये भी न्यूट्रिशन के लिए बनाए बच्चों ज्यादातर चीज़ें या तो आप न्यूट्रिशन के लिए बना रहे हो प्रोडक्ट के लिए बना रहे हो या फिर आप टेस्टिंग के लिए बना रहे हो ओके वाई आर दीज एनिमल बींग प्रोड्यूस हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन क्यों बना रहे हैं उनका सब का लॉजिक सब का रीजन हम पढ़ चुके हैं हमने चार चीज़ें पढ़ी कि क्यों बना रहे हैं हम नॉर्मल फिजियोलॉजी को पढ़ने के लिए डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए जैसे मैंने तुम्हें बोला इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है हमें क्या पता नहीं पता नहीं था ना तो उसको देखने के लिए कि इंसुलिन का क्या इफेक्ट होता है कितना इंसुलिन मैं कम कर दूं तो क्या इफेक्ट होगा ज्यादा कर दूं तो क्या इफेक्ट होगा राइट ग्रोथ फैक्टर्स अगर इतना रिलीज हो रहा है तुम्हारी बॉडी में तो क्या इफेक्ट होगा अगर इतना रिलीज हो रहा है तो क्या इफेक्ट होगा सो जस्ट टू चेक दीज यू नो डिवेलपमेंट की चीजें पढ़ने के लिए वी नीड ट्रांसजेनिक्स ओके ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेग्युलेटेड एंड हाउ दे एफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट फॉर एग्जाम्पल यहां से क्वेश्चन बन सकता है स्टडी ऑफ कॉम्पलेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स ठीक है यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई किस चीज पे तुम स्टडी कर सकते हो दिस इज इम्पॉर्टेंट बाई इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज दैट ऑल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द other स्पीशीज दैट ऑल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर आपने किसी और स्पीशी से एक जीन लेकर ट्रांसजेनिंग एनिमल में डाल दी ओके okay? ठीक है जी अब तुम देखोगे ना कि क्या चेंजेस आ रहे हैं दैट ऑल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर क्या चेंजेस आ रहे हैं और उस चेंजेस से तुम्हारी बॉडी के ग्रोथ में डिवेलपमेंट में क्या फर्क पड़ रहा है यूल नोटिस दैट यूल राइट इट डाउन यूल डेटा पूरा आप डेटा बनाओगे कि नहीं भाई इतना अमाउंट ठीक नहीं है इतना अमाउंट ठीक है फॉर दैट मीनि ट्रांसजेनिक एनिमल्स इन्फॉर्मेशन इज ऑप्टेन्ड अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ दैट फैक्टर इन योर बॉडी एक तो बायोलॉजिकल रोल पता चलेगा दूसरा कितना मुझे वो चाहिए वो भी पता चलेगा राइट right, बच्चो चलो स्टडी ऑफ डिजीज़ अगर मुझे बीमारियां पढ़नी है हमने अभी देखा बीमारियां पढ़ने के लिए भी मुझे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने पड़ेंगे करेक्ट ठीक है ओके आर अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ जीन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिवेलपमेंट ऑफ डिजीज़ कैसे जीन की वजह से एक डिफेक्टिव जीन है उसकी वजह से डिजीज़ का डिवेलपमेंट हुआ और कैसे हम उसको क्योर भी कर सकते हैं मुझे सिर्फ पढ़ना नहीं है डिजीज़ को मैं उसका क्योर भी ढूंढ सकती हूं अगर मुझे पता चल जाए एक्जैक्टली exactly, अच्छा ये वाले पॉइंट पे अगर चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से ये डिजीज हो रही है तो आई कैन ऑल्सो यू नो फाइंड अ क्योर दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज इज मेड पॉसिबल टूडे ट्रांसजेनिक यहां से क्वेश्चन आएगा ठीक है किस किस के मॉडल्स है तुम्हारे पास जैसे कि भाई कैंसर जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस एंड एल्इमर यहां से क्वेश्चन बनेगा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है हमने तीन प्रोडक्ट की बात करी थी एक तो एल्फा वन एंटीट्रिप्सिन एक बात करी थी मैंने रोजी काओ की जो प्रोड्यूस कर रही थी ह्यूमन प्रोटीन रिच्ड एंड रिच्ड मिल्क तीसरी मैंने बात करी थी बच्चों फिनाइल कीटोन यूरिया की एंड योर सिस्टिक फाइब्रोसिस की तो ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी है आ जाओ सो मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सच बायोलॉजिक का प्रोडक्ट प्रोडक्ट आर वेरी एक्सपेंसिव टू मेक तो हमने क्या करा चलो ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर ये चीजें बना लेते हैं कोई भी एक एनिमल लिया उसके अंदर मैंने उसके अंदर मैंने एल्फा एंटीट्रिप्सिन का जीन डाल दिया तो उसने उस प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दिया फिर मैं वहां से निकाल के वो प्रोडक्ट जो भी इंसान सफर कर रहा है एमफिसमा को उसको दे दूंगी ठीक है उसको दे दूंगी सो so, क्वेश्चन बच्चों आपका यहां से बनेगा ठीक है क्वेश्चन यहां से बनेगा कि आपने कौन से प्रोडक्ट बनाए हैं नंबर वन प्रोडक्ट आपने जो बनाया दैट इज अ प्रोटीन विच इज नोन एज एल्फा एंटी ट्रिप्सिन मैंने तुम्हें तो बताया कहां बनता है कहां बनेगा बच्चों लिवर में बनेगा प्रोटेक्ट किसको करता है लंग्स को प्रोटेक्ट करता है अगर नहीं मिला तो तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगा ठीक है एम्फेसमा आपका शुरू हो जाएगा बन जाएगा सिमिलर टेम्स आर बींग मेड ये भी भाई याद रखना है कि कौन कौन से भी हम कोशिश कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं फिनाइल कीटोन यूरिया को ट्रीट करने के लिए एनसेस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा दिस वॉस बड़ा मजेदार सा जो मैंने बोला था रोजी सबसे पहले हमने ट्रांसजेनिक काउ बना ली थी जिसके अंदर क्या था घी था या प्रोटीन था प्रोटीन एंडरिच था ठीक है घी नहीं था ओके याद रखना है घी नहीं था प्रोटीन एंडरिच थी 2.4 ग्राम पर लीटर आपको प्रोटीन मिलता है विच इज अ वेरी गुड अमाउंट वेरी वेरी न्यूट्रिशियस है ये द मिल्क कंटेंट ह्यूमन एल्फा लेक्टाब्यूमिन ठीक है एंड बहुत न्यूट्रिशियस था वेरी यू नो बैलेंस डाइट फॉर द न्यू बोर्न बेबीज तो याद रखना भाई ये बीटा नहीं होता ये अल्फा होता है इस तरह से तुम्हें घुमाते हैं एन टी ए वाले वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी हमने देखा जैसे कि ट्रांसजेनिक माइस हमने यूज करे थे <laughs> ये देखो पोलियो वाला पॉइंट याद रखना है ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है बच्चो ठीक है हमने रिप्लेस कर दिया था मंकीज को ठीक है yes. येस अब हम किस यूज करते हैं अब हम यूज करते हैं ट्रांसजेनिक माइस को देन नेक्स्ट इज केमिकल सेफ्टी के लिए भी आप यूज कर सकते हो जैसे भाई यू विल मेक देम मोर यू नो सेंसिटिव दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग द प्रोसीजर इज द सेम एज दैट फॉर टॉक्सिक सॉरी टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स दे आर मेड ट्रांसेंड एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव ठीक है देखो हमने ज्यादा सेंसिटिव कर दिया जितना तुम सेंसिटिव करोगे उसको उतनी जल्दी वो रिस्पॉन्स देगा उतनी ही जल्दी तुम्हें पता चलेगा कि वेदर दिस थिंग इज वर्किंग और नॉट वर्किंग दिस इज द आइडिया बिहाइंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स अब आ जाओ तुम चोरी चकारी अच्छा नहीं उससे पहले यू हैव टू यू नो वी ऑल्सो हैव टू डिस्कस द एथिकल इश्यूज़। देखो जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट लिखा आप जब रिसर्च करते हो ना आपको एक प्रोजेक्ट लिखना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है जहाँ पर भी जिस जिस भी एजेंसी को आप वो प्रोजेक्ट लिख के दे रहे हो आपको उनको बताना पड़ता है कि इस प्रोजेक्ट में आपको कोई एनिमल का रिक्वायरमेंट है या नहीं है और कितने एनिमल लगेंगे पूरे रिसर्च को करने के लिए ऐसा नहीं होता बच्चों कि आप ऐसे ही बस लिख दो रेंडमली कि मुझे ना आई नीड फिफ्टी मंकीज फॉर माई रिसर्च नो ऐसा नहीं होता आपके प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा आपके प्रोजेक्ट को देखा जाएगा कि क्या इसमें पचास मंकीज की जरूरत है भी या नहीं या सिर्फ दस से भी काम चल सकता है बिकॉज एज ह्यूमन बींग जो सबसे ज्यादा ऊपर रेस पहुंच चुका है हमारा फर्ज़ बनता है कि हम रिसर्च करें ठीक है ह्यूमन काइंड को ह्यूमन uh, वेलफेयर के लिए हम रिसर्च करें लेकिन उसके साथ साथ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बेचारे एनिमल्स को एक्सप्लॉयट ना करें ठीक है ना बेचारे एनिमल्स को एक्सप्लॉयट ना करें तो यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों एथिकल इश्यूज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो हमें ऐसा अंधाधुंध नहीं करना कि भाई मेरे को सौ चूहे दे दो मेरे एक्सपेरिमेंट uh, में लगेंगे नो no. तो पूरा प्रॉपर आपकी आपको देखा जाता है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या इतनी एनिमल्स की जरूरत है या नहीं है या फिर आप सौ की जगह पचास में भी काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो बिकॉज हर एक लाइफ मैटर करती है हर एक लाइफ इंपॉर्टेंट है यस आई नो रिसर्च करना भी इंपॉर्टेंट है बट एट द सेम टाइम हर एक लाइफ भी बच्चों मैटर करती है डू यू अग्री विद मी डू यू अग्री विद मी और नॉट क्या आप मेरे साथ अग्री करते हैं यस yes, बच्चो यस yes, क्या आप मेरे साथ अग्री करते हैं यस yes. ओके गुड 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 ठीक है तो बच्चों वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग ऑल्सो देखो द मैन्युपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर बहुत बार ऐसा होता है आप शायद न्यूज़ में पढ़ते भी हो कि एक लैब को रेड करा तो वहां पे इतने सारे मंकीज मिले जिनको पिंजरे में बंद करा हुआ था तो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग सो मेनी थिंग्स विच आर अनएथिकल बहुत सारी अनएथिकल चीज़ें लोग कर रहे हैं ओके तो हमें उसको थोड़ा सा रेगुलेट करना पड़ेगा some ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm living organisms going beyond the morality of uh, such issues the biological significance of such things is also important genetic modification of organism can have unpredictable result when such organisms are introduced into the ecosystem अगर एक तो सबकी लाइफ इंपॉर्टेंट है फालतू में यू नो you know, अगर तुम्हारा दस से काम चल रहा है तो तुम बीस एनिमल्स क्यों मंगवा रहे हो सेकेंड थिंग बच्चों रेगुलेट इसलिए भी करना है कि कभी 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 जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हो तो इस तरह के एनिमल्स भी बन सकते हैं जो आपसे भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं इकोसिस्टम में अगर वो आ गया अगर वो एस्केप हो गया तो एक ऐसा एनिमल बाहर चला गया जिसके बारे में आपको भी इतना नहीं पता सो वी हैव टू रेगुलेट दिस देयर फॉर द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एस जी ई ए सी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है दिस इज योर पी वाई क्यू यह क्या है बच्चों ये है तुम्हारा पी वाई क्यू ओके वो कौन है जो चेक कर रहा है कि भाई इस प्रोजेक्ट में इतने ही एनिमल चाहिए इस प्रोजेक्ट में इतने एनिमल चाहिए आप इतना ही यू नो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इससे ज्यादा नहीं इससे ज्यादा अलाउड नहीं है देर अ लिमिट ना जब आप एनिमल्स को टॉर्चर कर सकते हो उसका भी एक लिमिट है आई नो एवरीबडी इज वर्किंग टू इम्प्रूव मतलब डिजीज uh, का क्योर फाइंड करने के लिए काम कर रहे हैं ये बट देर देर शुड बी अ लिमिट टू एवरी थिंग तो ये याद रखना बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट येस ओके आ जाओ चलो विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेस क्या वो एनिमल बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वो भी वही डिसाइड करेगा करेक्ट और ऐसा होना भी चाहिए भाई द मॉडिफिकेशन यूसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज एज फूड मेडिसिन सोर्सेज हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स विद पेटेंट्स ग्रांटेड फॉर द सेम वॉट इज द पेटेंट पेटेंट क्या होता है पेटेंट क्या होता है बच्चों मान लो फॉर <coughs> एग्जाम्पल uh, जैसे आई हैव डिस्कवर्ड थ्री न्यू स्पीशीज ऑफ फंगाई जब आप एक नई स्पीशीज डिस्कवर करते हो ना आपको उसका पेटेंट नहीं मिलता लेकिन अगर मैं उन स्पीशीज पे और काम करूँ और उससे मैं एक कुछ अलग सा एंजाइम या प्रोटीन आइसोलेट कर लूँ जिससे किसी चीज का क्योर हो सके ठीक है जिससे जो हेल्प कर सके ह्यूमन बींग को उनकी लाइफ इंप्रूव करने में तो मैं उसका पेटेंट ले सकती हूं कि ये मैंने आइसोलेट करा है ये मैंने सबसे पहली बार निकाला और मैंने देखा कि इसका यूज क्या है तो जब आपके पास कोई ऐसी चीज होती है ना जिसका यूज सबसे पहले आपने देखा जिसको आइसोलेट सबसे पहले आपने करा तो आप उसका पेटेंट ले सकते हो मतलब आपके पास उसका राइट right है आ, अगर कोई और काम करेगा ना तो आपको पूछेगा कि भाई मैं इस चीज पे काम करना चाहता हूं क्या ये मैं काम कर लूं तुम्हारी आज्ञा हो तो क्योंकि तुमने इस चीज को शुरू करा है पेटेंट इज दैट थिंग ठीक है तो पेटेंट लेना लेकिन कभी कभी लोग पता है क्या करते हैं चोरी भी करते हैं बड़ी चोरियां करते हैं अभी बताऊंगी दैट इज बायो पायरेसी चोरी करना इज बायो पायरेसी है ना ओके ठीक है यस यस बच्चों पेटेंट एक ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं ले सकते आप मैंने नई फंगस डिस्कवर करी उसके लिए नहीं ले सकते लेकिन उस ऑर्गेनिज्म से आपने कुछ ऐसी चीज़ निकाली जो बहुत यूजफुल है आप उसके लिए पेटेंट ले सकते हो ठीक है उसके लिए आप पेटेंट ले सकते हो नॉट फॉर एन ऑर्गेनिज्म आपने कोई नई यू नो वैरायटी बनाई नई ब्रीड बनाई उसके लिए आप पेटेंट ले सकते हो यू कैन टेक द पेटेंट फॉर दैट वन बट नॉट फॉर डिस्कवरिंग डिस्कवरिंग के लिए पेटेंट नहीं होता है ओके चलो डन चोरी हाँ चोरी भी देखेंगे अभी देखो चोरी देखेंगे अभी आ जाओ यस द मॉडिफिकेशन यूसेज ये तो हमने कर लिया था देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर देखो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी चोरी बताती हूं मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी चोरी बताऊंगी तुम्हें पता होगा लेकिन मैं मैं भी बताऊंगी तुम्हें ऐसी बात नहीं है मैं भी बताऊंगी एक बहुत बड़ी चोरी बताने वाली हूँ मैं तुम्हें ये जो बड़े बड़े देश होते हैं ना ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज़ इनके पास पैसा है बट बच्चों दे डोंट हैव द ट्रेडिशनल नॉलेज इनके पास पैसा है लेकिन इनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है जो कहाँ है, जो छोटी छोटी कंट्रीज़ के पास है जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं जो हमारी ट्राइब्स हैं उनके पास कितनी सारी नॉलेज है इनफैक्ट जो आ, आप देखोगे आपके घर पे आपकी दादी नानी उनको कितनी सारी चीज़ें पता होती हैं ठीक है कि घर में कि अच्छा ये कर लो खांसी होगी ये खा लो पेट खराब है ये ये खा लो सो दैट इज़ ट्रेडिशनल नॉलेज उसका बड़ा ही ज़्यादा वैल्यू है अगर आप किसी कंट्री का ट्रेडिशनल नॉलेज भी चुरा रहे हो तो मतलब आप उसकी इंटेलेक्चुअल यू नो प्रॉपर्टी एक तरह से बोल सकते हो आप वो भी चुरा रहे हो आप वो नहीं कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें <coughs> बायो पायरेसी का एक बहुत बड़ा कंट्री है अमेरिका ठीक है अमेरिका बहुत ज़्यादा बड़ी चोरी करी थी बच्चों सो यू ठीक है यू ने चोरी करी थी यूएसए ने क्या चोरी करी थी हमारा बासमती राइस जो जिसके लिटरेचर है हमारे पास जिसका प्रूफ है हमारे पास कि वो इंडियन ओरिजिन ही था ठीक है जो इंडियन ओरिजिन ही था उन्होंने उसके जीन्स निकाल कर अपनी किसी राइस की वैरायटी में डालकर थीके? अपनी किसी राइस की वैरायटी में डालकर एक नई वैरायटी बना दी टेक्सस में बनाई थी तो उसका नाम दे दिया टैक्समती सोच रहे हो तो, तुम खुद इतने पैसे कमाए हमें पता भी नहीं चला हमें जब पता चला तो तब तक काफी टाइम भी हो चुका था केस वेस लड़े गए उसके बाद पेटेंट लेकर आए तो क्या मतलब कॉम्पनसेशन तो देना चाहिए कोई नो कॉम्पनसेशन नथिंग ऐसा ही है बस क्या करें है ना यही यही चलता है यही चल रहा है तो हम लिखेंगे बासमती राइस के बारे में मतलब हम तो कितना प्राउड हैं कि हमारा बासमती राइस हमारा होता है बासमती राइस के जैसा कोई चावल नहीं है है भी नहीं है भी नहीं भाई बासमती राइस तो इंडिया में बच्चों कितनी राइस की वैराइटीज है यू हैव यू हैव इन इंडिया इन इंडिया यू हैव बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया यू हैव टू लैक वेराइटीज ऑफ राइस ठीक है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 27 आपके पास डॉक्यूमेंटेड है वैरायटी ऑफ बासमती राइस तो तुम्हारे पास प्रूफ भी है कि इंडिया से ही बासमती राइस का ओरिजिन हुआ है ठीक है यू आल्सो हैव द प्रूफ सो यू हैव 27 डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज ऑफ बासमती राइस वी हैव प्रूफ वी हैव प्रूफ ओके चलो अब भाई क्या हुआ 1997 में हुई चोरी 1997 में हुई चोरी किसने करी चोरी अमेरिका ने करी ठीक है अमेरिकन कंपनी अमेरिकन कंपनी ने बच्चों गलत तरीकों से पेटेंट ले लिया गलत तरीकों से पेटेंट ले लिया बासमती राइस का गॉट पेटेंट्स ऑफ बासमती राइस ले लिया पेटेंट ठीक है अब क्या करा पेटेंट ले लिया बासमती राइस के जीन निकाले बासमती राइस के जीन निकाले और अपनी कोई जो उनकी कोई वैरायटी होगी सेमी डुआफ वैरायटी उनकी खुद की सेमी डुआफ वैरायटी कोई होगी जो ऑब्वियसली इतनी अच्छी नहीं थी उसके साथ क्रॉस करके एक नई एक नई किस कलर से बनाए एक नया उन्होंने बना ली वैरायटी और इसको क्या बोला टेक्समती उसको क्या बोला टेक्समती बोल दिया क्यों क्योंकि बच्चों टेक्स में बनाई थी टेक्स मती बोल दिया सो दिस इज द न्यू वेराइटी ये क्या थी न्यू वेराइटी ये क्या है दिस इज बायो पायरेसी दिस इज बायो पायरेसी ठीक है ये क्या है बच्चों दिस इज बायो पायरेसी दिस इज़ बायो पायरेसी ठीक है टेक्समती आ गया अबे नेहा कक्कड़ ने जो गाना बनाया है मैम क्या वो भी <laughs> नहीं बच्चों वो वो नहीं है म्यूजिक uh, इंडस्ट्री में तो राइट्स होते हैं ना किसके पास किस चीज़ के राइट्स हैं अगर तुम किसी से राइट्स खरीद लो तो तुम उसको पायरेसी नहीं बोल सकते आई एम श्योर उसने राइट्स खरीदे होंगे उसके बाद वो गाना बनाया होगा अदरवाइज ऐसे नहीं हो सकता तो बच्चों देखो यहाँ पर भी अगर ये अमेरिकन कंपनी तरीके से हमारे पास आती हमारी गवर्नमेंट को बोलती कि मुझे आ, इसके आप मुझे राइट्स दे दो कि मैं ये ले जाके वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके एक नई वैरायटी बनाऊँ तो वो बच्चों बायो पायरेसी नहीं होता आपने तरीके से काम करा है ठीक है लेकिन अगर आप अगर आप इसके पेटेंट ले रहे हो गलत तरीक़ों से और फिर इसका वैरायटी बना रहे हो नया उस पर पैसे कमा रहे हो और जहाँ से जहाँ का वो वेरायटी है उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है जो हमारे किसान हैं बेचारे इतनी मेहनत करते हैं खेतों में उनको कुछ नहीं मिल रहा है सो तो ये तो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा गलत बात है बहुत ही ज़्यादा गलत बात है राइट तो अब उसके ऊपर केस वेस चले बच्चों तो पेटेंट वेटन वापस लिए लेकिन जितना उन्होंने कमाया है वो तो हमारे किसानों को नहीं मिलने वाला ना वो हमारी गवर्नमेंट को या हमारे देश को नहीं मिलने वाला सो दैट इज़ वन थिंग अब जैसे टर्मरिक एंड नीम का भी हमारा केस हमारे हमारे पास आ चुका है ठीक है टर्मरिक एंड नीम बच्चों हम जीत चुके हैं ओके तो इंडियन जो पार्लियामेंट है हमने भी इंडिया ने भी बच्चों एक <coughs> इंडियन पेटेंट्स बिल पास करा है जिसके तहत हम देख सकते हैं इवन जो पब्लिक है वो भी वो भी देख सकती है बच्चों कि अगर तुम्हें लगता है ना कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है यू कैन ऑल्सो रिपोर्ट इट एंड फिर वहाँ पे केस चलता है एंड प्रॉपर अगर आपके पास प्रूफ है डॉक्यूमेंट्स है देन यू विल विन दैट केस ओके जी चलो तो यस एंड दैट इज इंडियन पेटेंट्स बिल जिसके तहत हम पेटेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड जिसके तहत आप लड़ाइयां भी देख कर सकते हो कि नहीं भाई ये हमारी चीज थी तुमने गलती से हथिया ली है फॉर दैट एक बार देख ले पढ़ लें जरा आ जाओ ये सब वही है जो मैंने आपको बताया राइस Uh, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कल्चर में एशिया के एशिया से ज़्यादा इंडिया में बोलूँगी एशिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बट इंडिया में हमारे पास बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है बच्चों वी हैव अ लॉट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ राइस एंड हमारे पास 27 सेवन डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज हैं ऑफ बासमती दिस इज योर क्वेश्चन दिस इज योर क्वेश्चन ओके देन अगेन दिस इज योर क्वेश्चन 1997 में अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट्स पेटेंट्स uh, ले लिए लेकिन बच्चों वो सही तरीके से पेटेंट नहीं लिया गया था ओके okay, फिर उन्होंने नई बासमती को बेचना शुरू कर दिया पैसे कमा लिए ओके दिस न्यू वेराइटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वेराइटी देख रहे हो तुम तो? और हमने ये प्रूव भी कर दिया था इंडियन बासमती वॉज क्रॉस विद सेमी डॉफ वराइटीज एंड क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन ऑफ नॉवल्टी विच वॉज रॉन्ग विच वॉज गलत बिल्कुल गलत था द पीपल द पेटेंट एक्सटेंड्स टू फंक्शनल इक्विवेलेंट इंप्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाई द पेटेंट देख रहे हो मतलब हमारी चीज अगर हम बेच रहे हैं हमें भी रोक देंगे कि तुम नहीं बेच सकते इतने गलत तरीके से पेटेंट वेटन पेटें लेके हमें भी बोल देंगे कि नहीं तुम नहीं जबकि हमारी चीज है सेवरल आइटम्स हैर्ब्स मेडिसिन फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक नीम बचोट हमारा टर्मरिक एंड नीम को भी चुराने की पूरी कोशिश करी गई है ठीक है इफ़ वी आर नॉट विजिलेंट एंड वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर दीज पेटेंट एप्लीकेशन अदर कंट्रीज इंडिविजुअल मे एंड कैश ऑन आर रिच लेगेसी एंड वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट हम हम अब एक ऐसी कंट्री जो बेचारी स्ट्रगल कर रही है कि खाने को मिल जाए लोगों को ठीक है वी हैव आर ओन स्ट्रगल्स उसमें एक दूसरे कंट्रीज आके हमारी ये यू नो इंडियन ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उनको उठावटा के लेके उन पर पे पेटेंट पे पे कर रही हैं तो अन एनकैश कर रही है अलग अलग चीज़ें बना रही हैं बच्चों तो इस बड़ा ध्यान रखना पड़ता है तो इसके लिए भी एक पूरा एक अब यू you नो know, एक कमेटी uh, है कि देखो भाई कहाँ कौन हमारा चुरा ले के लेके जा रहा है थोड़ा ध्यान रखिए नहीं तो फिर वही है हमारा तो बेवकूफ़ बना देंगे बेचारी डेवलप्ड कंट्री मतलब डेवलपिंग कंट्री है तो हमारा तो बेवकूफ़ बना देंगे आ जाओ बायो पायरेसी इज अ टर्म यूज टू रेफर टू द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज जो चोरी हुई थी ये बायो रिसोर्सेज क्या है बच्चों जैसे कि हमारा राइस था जैसे कि हमारा टरमेरिक है नीम है बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज ठीक है आप चलाकी से गलत तरीकों से पेटेंट लेके जा रहे हो ठीक है यस ओके गलत तरीके से पेटेंट लेके जा रहे हो तो फिर बच्चों गड़बड़ हो जाएगी ना गड़बड़ हो जाएगी ना ओके okay, जी, ठीक है हाँ यस, ओके चलो अच्छा रिक्वेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स बच्चों जो मैं बोल रही हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट ठीक है इधर उधर शोर होते रहते हैं उस पर ध्यान मत दो यू कैन ब्लॉक दीज पीपल जो आपको लग रहा है कि इनॉय कर रहे हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं ब्लॉक देम जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो बस ठीक है बस कोई डिस्कशन करने की तीज़... मतलब तुमने देखा है मुझे मैं इन इन लोगों पे कोई ध्यान देती हूँ आई जस्ट कीप ऑन टीचिंग यू बिकॉज दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट बच्चो जो मैं बोल रही हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट दैट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ इग्नोर देम इनको तो तुम बोलो कि थैंक यू भाई तुम हमें एक चीज सिखा रहे हो जिंदगी में दैट इज इग्नोरिंग पीपल जस्ट डू दैट ओके बहुत काम आता है यार बहुत काम आता है बड़ी लाइफ ना एकदम मस्त हो जाती है अगर तुम इग्नोर करना सीख जाओ तो मस्त हो जाती है एंड ये तो तुम्हें सिखाने आ रहे हैं तो सीख लो अभी से सीख लो चलो आ जाओ मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियालाइज्ड नेशन आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी इसलिए वो क्या करते हैं चोरी करने आ जाते हैं इसलिए क्या करते हैं चोरी करने आ जाते हैं येस ओके जी इन कंट्रास्ट द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी हमारी जैसी कंट्रीज जो हैं डेवलपिंग वो कैसी है बच्चों दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ओके ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके okay जी ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज हल्दी किस लिए यूज होती है कोई चोट लग जाए चलो हल्दी लगा लो राइट right? ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये अगर कोई इस चीज़ को चुरा लेना इस नॉलेज को बच्चों वो इस पर बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस बना सकते हैं राइट right? ये तो मैंने सिर्फ एक एक बात तुम्हें बताई हमारी दादी नानी उनको कितनी सारी बातें पता है उनकी जो दादी नानी थी उनको कितना कुछ पता था जस्ट इमेजिन देयर क्या हुआ ये ओके अगेन वी आर फेसिंग प्रॉब्स आज ना ये आइए ये इसको लग रहा है इसको भी जाना है छुट्टी पे ये तो है तो मेरे को भी भेजो भाई छुट्टी पे मैम आप ही क्यों जा रही हो छुट्टी पे हाँ चलो आ गया वापस इनजस्टिस अब हमें पता चलना शुरू हो गया है ठीक है यस yes. अब <coughs> हमें पता चलना शुरू हो गया बच्चों की इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो हम भी थोड़े से विजिलेंट हो गए हैं हमने भी देखा कि भाई आजू बाजू के जो लोग हैं ना वो बड़ी खतरनाक हैं, ठीक है जैसे अपने बॉक्स में देख लो पता नहीं कहाँ कहां से कौन किस किस को भेज देता है ठीक है कि जाओ परेशान करो जाके अपना काम नहीं करना है चलो दूसरों को जाके परेशान करो ताकि यहाँ पे बच्चे ना पढ़े ताकि यहाँ पे बच्चे पढ़े बिल्कुल खत्म हो जाए आने बंद हो जाए सो दैट इज समथिंग देखो लोगों की मैंटैलिटी को देखने की कोशिश करो एंड अपने आप को उस चीज़ पे ऐसे हो कि इग्नोर दें यहां से ना तुम अपनी लाइफ के लेसन्स भी सीख सकते हो ओके <laughs> <Okay. laughs> चलो तो ये हो गया एंड देन बच्चों इसलिए इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट्स बिल इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म इमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशियटिव तो हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यहां से क्वेश्चन बन सकता है बाल को यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि हमने क्या करा है भाई हमने भी इंडियन पेटेंट बिल बना दिया है जिसमें हम इन चीजों को ध्यान में रखते हैं कि कहां पे कौन सी चोरी हो रही है है ना चलो राइट सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड आई होप की अब तुम्हारे इसके क्वेश्चन वगैरह कर लेना यार पी वाई क्यू मेरे साथ तो करोगे बट एक बार अपनी तरफ से भी कर लेना क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा वापस जब मैं आऊंगी उसमें बीच में बच्चों थोड़ा गैप आ जाएगा तुम्हारा बट डू ट्राई टू फिनिश द पी वाई क्यूज ऑन योर ओन आप मेरे साथ भी करोगे डोंट वरी लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने आप कर लीजिए ठीक है जब मैं वापस आऊंगी तो सारे प्रैक्टिस सेशन लेने वाली हूँ एंड और बच्चों अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए अगर आपको चाहिए कि मेरी तो लाइव क्लासेस डेली होनी चाहिए मेरे को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ मिल जाए इस महीने क्या होने वाला है ठीक है एंड नॉट जस्ट कि कौन सा चैप्टर होने वाला है कौन सी चैप्टर का कौन सा टॉपिक होने वाला है अगर तुम्हें पूरा प्लान चाहिए और जो आपने हफ्ते में पढ़ा आप चाहते हो कि उसका टेस्ट भी हो जाए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो यू कैन कम एंड ज्वाइन मी ऑन प्लस आपको बच्चों गार्गी कोड लगाना है और आपको टेन ऑफ मिलेगा इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरे मेंटोरशिप में आ जाओगे आप मेरे जो मेरा ग्रुप है मेंटोरशिप वाला ग्रुप उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा कोई भी दिक्कत होगी आप मुझे डायरेक्टली बात करोगे मुझसे कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा ये नहीं बात नहीं पता चल रही इसको कैसे करें राइट right? एंड इससे बेहतर है कि आप आइकॉनिक भी ले सकते हो वहाँ पर तो आपको स्टडी प्लानर मिल जाता है जो आपके साथ बाई वीकली रिव्यू करते हैं जो आपको पूछते हैं भाई तुम कहाँ पर दिक्कत आ रही है तुम्हें तुम्हारा टेस्ट का एनालिसिस करा तुम्हारे इतने नंबर क्यों आ रहे हैं तुम कहां पे प्रॉब्लम हो रही है अच्छा ये चीज नहीं हो रही इसको ऐसे करो वो नहीं हो रहा इसको ऐसे करो सो वी आर गोइंग टू गिव यू आर टीचर जो आपके ऊपर पूरा फोकस करने वाला है पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है टेस्ट का एनालिसिस होता है बच्चों आपके घर पे स्टडी मटेरियल पहुंच जाता है राइट राइट ही डू कंपीट में किस किस ने पार्टिसिपेट कर लिया बहुत सारे हमारे पास जो डेटा आ रहा है ना कितने बच्चे कंपीट यूज कर रहे हैं दैट इज अमेजिंग एंड वी आर सो हैप्पी अबाउट इट जो डेटा हमारे पास अपडेट जो रहा है ना तुम्हें भी पता चलेगा अभी तुम्हें भी पता चलेगा तो कंपीट को जरूर यूज़ करके देखिए एंड कोटा लखनऊ नोएडा पटना में बच्चों हमारे ऑफलाइन uh, सेंटर्स खुल चुके हैं तो वहाँ पे भी अगर तुम्हें लगता है कि ऑफलाइन इन समथिंग जो तुम्हें हेल्प करेगा देन गो फॉर दैट गो फॉर दैट एंड विद दिस ब्रो मैम इज साइनिंग ऑफ एंड आई सी यू आफ्टर फ्यू डेज ठीक है मैं आपको मिलती हूँ कुछ दिनों के बाद लेकिन बच्चों लेकिन बच्चों <coughs> आप प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस करते रहना रिवाइज़ करते रहना एंड मैंने अपनी तरफ से कोशिश करिए कि कुछ टॉपिक्स के वीडियोस रिकॉर्ड करें मैंने रात को दो दो तीन तीन बजे बैठ के वो आपको मिल जाए ताकि बीच में अपना लर्निंग ना रुक जाए अपनी वो नहीं रुकेगी ओके बच्चों, ठीक है यस, ओके ठीक है टेक केयर बच्चों टेक केयर एंड आई सी यू सून ठीक है मिलते हैं बाय 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 बच्चे बाय टेक केयर